देश भर में चुनावों का बिगुल बज चुका है। अलग अलग चरणों में पूरे भारतवर्ष में वोटिंग है, लेकिन इन 10 सालों में जहां बीजेपी सरकार सत्ता में रही है 10 साल से, इन 10 सालों में कितना बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ है, आम जन है या आम मजदूर वर्ग है उसके हितों में कितने फैसले हुए हैं, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जानने के लिए निकले आज हम राजस्थान में जयपुर से है, जो लालसोट के बीच में एक ईंट भट्टा है जहाँ हमारे जो मजदूर भाई है वो काम कर रहे हैं। अभी शाम का वक्त है, ईंट भट्टा जहाँ से है लोग अपने घरों के लिए है मकान बनाने के लिए ईंटें ले जाते हैं, वही ईंट भट्टे पे हैं जहाँ इस तरफ देखेंगे हम, इस तरफ अगर दिखाएंगे तो वो काम जारी है उनका, यहीं रहते हैं, यहीं उनका घर है, सुबह से शाम तक रात तक वो काम करते हैं और अपने और अपने परिवार का पेट पालन करते हैं। कुछ मजदूर भाई हैं, हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे उनसे भी कि किस तरह वो अपना काम कर रहे हैं, किस तरह है वो सुबह से रात तक है वो अपने मेहनत और मजदूरी करते रहते हैं। तो देखेंगे किस तरह इन्होंने एक एक करके, ये भट्टा है पूरा और इस पे कवरिंग, अगर इधर दिखाएंगे दूसरी तरफ है जो जो सरसों की या भूसा की कुट्टी है उसको प्रयोग में लेते हैं ईंट भट्टों में जलाने के लिए, धुएं के लिए, ईंटों को पकाने के लिए, एक एक करके पैकिंग की जा रही है, प्रोसेस जारी है ईंटें बनाने का। तो इस तरह इनका कुछ काम है, लगातार देखेंगे इस तरफ कि लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार। आइए, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, हाँ कहाँ जी, के रहने वाले हो आप? सुल्तानपुर यूपी। अच्छा, यूपी से हो। हाँ जी, अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? हाँ, लमसम यहाँ तो हो गया 20-22 साल। 20-22 साल से। हाँ, इस मंडी में अभी उम्र क्या है आपकी? हमारी 47 साल। 47 साल। हाँ तो यानी कि करीब आप 20-22 साल के यानी 25 साल के थे तब यहाँ आ गए हाँ जी, हाँ जी, और तभी से यही काम कर रहे हाँ हैं जी, ईंटों का। हाँ। कौन कौन है आपके घर में अभी? अरे बच्चे हैं, बीबी हैं, अच्छा, सभी यही काम करते हैं। हाँ सभी काम करते हैं। अच्छा, कितना मजदूरी मिलता है आपको अभी? अरे साहब, मजदूरी मजदूरी क्या मिलती है, 12-13 हज़ार मिलती है। अच्छा, हाँ, और टाइमिंग कितना घंटा काम रहता है? टाइमिंग 8 घंटे ड्यूटी, 16 घंटा रेस्टिंग। अच्छा, यानी कि सुबह से शाम तक आपका यही काम है। हाँ जी, अभी चुनाव है पूरे भारतवर्ष में, हाँ जी, आपको मालूम है हाँ। आपके यूपी में कब है वोटिंग? हम वहाँ नहीं बता सकते, यहाँ तो जानते हैं। हाँ, अच्छा, तो वोट देने जाओगे? अरे क्यों नहीं जाएंगे, आप कहेंगे सरकार अच्छा का मत होगा, क्यों नहीं देंगे। अच्छा किसे आप इस बार जिताओगे? अब जिसको कहेंगे वही जिताएंगे, हम तो मोदी मोदी नहीं, जी को जानते हैं, मोदी जी को अच्छा, जिताना चाहते हैं। हाँ मोदी जी के 10 साल से मोदी जी सरकार में। ठीक जी, है, आपके हित में कितने फैसले हुए, क्या योजनाएं आपके घर तक पहुंची है? अरे योजना ही किसान नुकसान का मिलता है पैसा कौड़ी, और क्या। सिलेंडर आपको मिला? गैस सिलेंडर सिलेंडर? तो नहीं मिला साहब। अच्छा, मकान आवास मिला? कुछ हाँ, आवास मिला है। आवास मिला है हाँ आपको, हाँ जी, यानी कि आपको सिलेंडर नहीं मिला लेकिन आवास मिला है। हाँ तो आवास मिला इस है। बार आप किसे, राहुल गांधी या मोदी को देना चाहोगे वोट? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ तो देखेंगे, तमाम है जो मजदूर भाई जो साथ बीजेपी के समर्थन में बोल रहे कि इस बार हमें आवास मिल गया था, तो और भी है कुछ, उनसे भी जानेंगे। लोग आग घुमा रहे हैं, पंखा वंखा बढ़ा क्या ही थी। क्या नाम है आपका? इंदल कुमार, इंदल कुमार। कहाँ से हो आप? यूपी यूपी से हो। अमेठी। अच्छा, कितने सालों से आप ये काम कर अरे रहे हैं? हो गया 18-20 साल के लमसम। 18-20 साल से। हाँ जी, 18-20 साल में और अब में कितना बदलाव हुआ है मजदूरी में? बस वही थोड़ा बहुत हुआ है, क्या हुआ। आज जितना महंगाई है उतना मजदूरी है, उसी अच्छा, हिसाब से है। अभी चुनाव है पूरे भारतवर्ष में, आप किसे चुनना चाहोगे? आपके हिसाब से किसने आपको फायदा पहुंचाया या हमें आपको? तो फायदा मोदी ने आवास दिया, हर एक चीज दिया। अच्छा, हाँ यानी कि प्रधानमंत्री आवास में आपको घर मिला हाँ है। जी, अच्छा, अगर मजदूरी की बात करें, आप मजदूरी का काम करते हो, अब पहले से और अब में कितना मजदूरी बढ़ गया है, कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा? कहाँ क्या बढ़ा है, वही तो है। अच्छा, मजदूरी तो बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे लोग का काम है आग पे, हाँ, 10 फीट आग नीचे आग है, अच्छा, इसके 10 फीट नीचे आ गए, इसके यानी दस कि फीट नीचे आग है। ये पूरा ईंट का भट्टा है और ये अभी क्या जो भूसा है वो डाला जा रहा है हाँ पूरी हाँ ईंटों को पकाने के लिए। हाँ जी, अच्छा, कितने दिन का प्रोसेस है ये, कितने दिन में जो पक के तैयार होती है ईंटें? ईंटें तो 2 घंटे में पक जाती है, एक अच्छा, लाइन 4,500 ईंट। 4,500 ईंटें इस पूरे भट्टे में, अगर देखेंगे हम 4,500 ईंटें एक साथ पकाई जा रही है। हाँ, एक लाइन में अच्छा, फिर इसके बाद आप पकने के बाद निकालोगे इन ईंटों को? हम निकालते नहीं, हम लोग खाली पकाते हैं बस, अच्छा, आपका पकाने का काम है, निकालने वाला दूसरा होता है, दूसरा भरने होता है। वाला दूसरा होता है।
इन 10 सालों में जहां आप किस तरह देखते हो मोदी सरकार के कार्यकाल को, कितना बदलाव हुआ है, क्या वाकई तो गरीबों के लिए बहुत हुआ है, अच्छा हुआ है। मजदूरी की दरें है वो 300-400 रुपए में लोग काम करते हैं, कम है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई के हिसाब से मजदूरी कम है। अच्छा, अब इतनी दूर से हम लोग आते हैं, कम कम 600-700 रुपए तनख्वाह दिहाड़ी ना हो एक दिन की, तो क्या बचे, क्या खाएं, क्या घर ले जाएं। 400 रुपए मिलता है एक दिन का, 400 रुपए में क्या करें, खाएं कि ले जाएं। और इतने दो गर्मी में और इतनी गर्मी में धूप में, यहाँ आप खड़े हो देख रहे हो कितना तापमान है, हमें भी रुका नहीं जा रहा है। वही तो, जिस तापमान में आग में आप खड़े हो, बड़ा हिम्मत का काम है आपका कि आप सिर्फ आग से खेल रहे हो, लेकिन क्या करे, पेट पूजा तो लेकिन हमारे लोग की ड्यूटी है तो करना है, तो करना है, करना है। सालों में कितना बदला है, सुनाओ के बारे में समझाएगा उनका। आप वोट तो करोगे, मैं थोड़ा जान वोट दे काम कराना, रोटी मिलेगी कुमार खाऊंगा। नहीं बिल्कुल, वो तो सही है कि जब तक हम काम नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। है लेकिन अभी पूरे भारतवर्ष में चुनाव है, एक तरफ मोदी 10 साल से सत्ता में, ये वोट दे देंगे और वो वहाँ का वो जीत जाओगे और वो कुछ रहे होगा माँ के साथ ही, कोई राशन भी चालू होकर माँ नाच गाँव कोमल ऐसा कहते ऑनलाइन आए बंद। अभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में कुछ घर मिला, सिलेंडर मिला, कुछ ऐसा कुछ मिला आपको? हाँ मिला। अच्छा, आवास मिला था, आवास मिला। हाँ अच्छा, मजदूरी की बात करें तो आप क्या काम करते हो यहाँ पर? यहाँ लड्डा चलाता हूँ। अच्छा, कितना पहले से अब में मजदूरी बढ़ी है, रेट रेट तो बहुत बढ़ गई। पहले तो मेरे टाइम पर तो 4,000 रुपये मिलते थे 1 लाख ईंट के। अच्छा, आज 20-21 हज़ार रुपये मिलते हैं 20। लेकिन महंगाई भी उस गति से है, बाकी सामानों की रेट भी बढ़ गई है। और कहें रेट तो बढ़ गई है, राशन की जो हो या महंगाई है सभी चीज में, घी में देख लो, दूध में देख लो, अनाज में देख लो, कहीं में देख लो, महंगाई तो बढ़ गई। यानी अगर मजदूरी की थोड़ी रेट बढ़ी है लेकिन उससे डबल गति से महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई बढ़ गई है, पहले 1,000-1,200 रुपया गेहूँ की बोरी, आज 2,500 रुपया उगा रही। इस बार चुनावों में आप किसे जिताना चाहोगे? अब यार मौके पता होगा कैंडिडेट लड़ रहे, मैं तो ईंटा से गुड़ा दूँ, ईंटा से गुड़ा था लड्डो चला जा, भरा जा, खाली करा था कौन का? नहीं आप वोट तो करोगे ना, वोट नहीं करोगे? वोट दे मेरे को जा, मार नफरत है कि मार राशन चालू कौन जी। अच्छा क्यों? अब हार मंत्री का वोट पड़े जी का मैम को दे रहे, क्यों कौन सुख है, सरपंच सुख है तो सरपंच कहते यार ऑनलाइन चालू कौन। तो फिर आपने सरपंच को सुनाया, वोट दिया, जिताया, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा है। हाँ फिर ऑनलाइन मन से कर, ऑनलाइन होगा जो चालू। अच्छा, अब वो कदे होगा ऑनलाइन, तो 3-4 साल तो कड़ी सरपंच आए ना, अब कदे कह होगी। यानी जो खाद्य सुरक्षा में जो अनाज मिल रहा वो नहीं मिल रहा? नहीं मिलता है मेरे को, नहीं मिलता, और उसकी वजह से आप वोटिंग नहीं करोगे? हाँ, आठ पांच बच्चे, 6 बच्चे हैं मेरे पास, 5 लड़की 1 लड़का, अब 2 आदमी हम, आठ आदमी हम, अब 8 आदमियों को 5-5 किलो मिलते तो 40 किलो हो गया। यानी कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। हाँ, कि ऐसा सिस्टम बना दिया और जो है जो आम जन मजदूर है उसको अनाज नहीं मिल रहा है। हाँ, बहुत उनको नहीं मिल रहा, मैं क्या बहुत है मेरे जैसे आदमी। अच्छा, जो खाद्य सुरक्षा का, लेकिन सरकार तो बड़ा चढ़ा के दावे करती है कि इतने लोगों को अनाज बांट रहे हैं, घर घर का राशन पहुंचा रहे हैं। देख ले रिकॉर्ड उठा के मेरे को अनाज क्यों मिल रहा है क्या? अच्छा, आपका नाम है बीपीएल में? बीपीएल में नहीं, खाद्य सुरक्षा में। खाद्य सुरक्षा में नहीं तो किस में? आप राशन कार्ड बना हुआ है, वो ऑनलाइन नहीं हुआ मेरा। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन होता जब राशन अनाज क्यों मिलते, अब ऑनलाइन तो हर जगह बंद कर रखी है। हाँ, अब क्या पता क्यों कर रखी है। यानी चुनावों की वक्त तो सब नेता आ जाते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, ये मजदूर के हक की बात हो तो दूर हो जाते हैं। सब दूर हो जाते हैं, बायना बना देते हैं ना, ऑनलाइन चालू नहीं है। हाँ, ऐसे कह देते हैं। क्या कहना चाहोगे नेताओं को आप? क्या कहेंगे नेता, घर थोड़े जहाँ पर जाना है कौन, कोर्ट तो करते हैं कैसे नेता से। हाँ, आप मजदूर लोग से कोर्ट जाना है कौन आप? नहीं, आपके पास वोट मांगने तो आएंगे। हाँ आओगे तो पता ही था उसके रिजिया कह दूँ। हाँ, राशन चालू कौन करवाया, एक नाच भी लिया है कड़ा चुप जाम तो। हाँ हाँ, तो फिर मतलब कहीं से वोट दे पास हुई, वो भी तो काम छोड़ जाओ इंटरस वोट दे पाए। हाँ हाँ, वो भी तो मेहनत कर रहा, नाच सुन तो ले रहा हूँ। सही है, जब बाढ़ देने गए तो यहाँ हमारा घर का राशन कौन लाएगा? और क्या, काम तो करांगा ना मजदूरी। ठीक है भैया, धन्यवाद। अगर इस तरफ भी देखेंगे तो जिनके घर बना रखे यहीं ये लोग रहते और सुबह उठ के अपने काम में लग जाते, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनके मन में मलाल है कि जो मजदूरी की दरें हैं वो कम है। 300-400 रुपये में ये लोग काम करते हैं पूरे दिन भर। सरकार को इस दिशा में भी देखना चाहिए, क्योंकि हर साल चुनावों में घोषणाएं होती है, वादे होते हैं मजदूरों के हितों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन आज भी कम मजदूरी में ये लोग काम करते, पूरा दिन भर आँख में तपते
और तब कहीं ना कहीं जाके 300-400 रुपये मिलते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर हो या मजदूर वर्ग हो या किसान वर्ग हो, उनके हितों में भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को, और कुछ अहम फैसले लागू करना चाहिए। मिनिमम मजदूरी के नाम पर जो लागू की जाती है 300 रुपये, 350 रुपये, उसको बढ़ाना चाहिए, उसे सख्ती से जो प्राइवेट सेक्टर हो उनमें लागू होना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं लोगों की जहन में इन चुनावों में, और देखते हैं इस बार चुनावों में लोग, जनता है वो किस तरह वोटिंग करती है, किन्हें चुनती है।